सुनिए जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? देरी हो रही है, ऑफिस में कर लूंगा। कमाल है, मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। मम्मी जी को सिर्फ एक टोस्ट चाहिए, सविता जी की तबीयत ठीक नहीं है और मुक्ता को भूख नहीं है। और अमित अभी तक सो रहा है ना? जी, मैंने सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाया लेकिन सब बेकार। डोंट वरी, मैं आपका नाश्ता बेकार नहीं जाने दूंगा। एक काम करिए, पूरा पैक करके मुझे दे दीजिए, मैं आज दिन भर ऑफिस में वही खाते रहूंगा। तो लंच भी उसी का करेंगे आप? तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता मैं बेकार कैसे जाने दूं? अच्छा, एक काम करो, जल्दी से ले आओ, पापा आते होंगे। अभी लाई, लेकिन हाँ, आप उसका लंच भले ही करें ना करें, लेकिन नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। ओके, अभी लाई। अच्छा सुनो जी, सब कुछ मेरे लिए मत ले आना, थोड़ा अमित के लिए भी बचा के रखना। ये बात मैंने पहले से ही सोच रखी है, मैं उन्हें जल्दी से उठाकर ऑफिस भेजने की कोशिश करती हूँ। तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही हो। ओह, थैंक्स। आप नाश्ता नहीं करेंगे? एक काम करिए, पूरा पैक करके मुझे दे दीजिए, मैं आज दिन भर ऑफिस में वही खाते रहूंगा। तो लंच भी उसी का करेंगे आप? तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता मैं बेकार कैसे जाने दूं? अच्छा हुआ आप आ गई, अभी मैं आप ही के पास आने वाली थी ये पूछने के लिए कि आपको खाने में क्या पसंद है। हर एक की पसंद का बहुत ख्याल रखती हो तुम। ये तो मेरा फर्ज है, आइए बैठिए। सब पर अपना जादू चला के रखा है तुमने, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है तुमने। इसमें ट्रेनिंग की क्या बात है, ये तो संस्कारों की बातें हैं। ये कैसा संस्कार है तुम्हारा जो तुम मेरे हक पर डाका डालना चाहती हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम मेरा मतलब तो अच्छे से समझ रही हो अनीता, अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इस घर में तो मैं प्यार बांटने आई हूँ और ये काम तो आप भी कर सकती हैं, इससे मेरा ही काम आसान हो जाएगा। तुम्हारा काम तो मुझे वैसे भी बहुत आसान होता नजर आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहती हूँ, जो तुम कर रही हो तो मुझे कभी गवारा नहीं होगा। इस घर में अपने पति का ख्याल रखने के लिए अब मैं मौजूद हूँ, इसलिए तुम अपना सारा प्यार सिर्फ अपने अमित के लिए रखो, सिर्फ उसी की परवाह करो तुम। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाय। तुम आज ऑफिस में कैसे? अभी बताती हूँ। अच्छा है, अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अजय, कम से कम आज तो अपना काम छोड़ दीजिए। आप क्या जाने कि आज शाम होने का मैंने कितना इंतजार किया है। ऐसे क्या देख रहे? देख रहा हूं कि मुद्दतों बाद आपको मेरे इंतजार में कर पाया है। और आज समझ में आया कि इंतजार में कितना मजा होता है। अरे क्या कर रही हो तुम, कोई आ जाएगा और फिर आज तुम्हें क्या हो गया? आज मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। देखो सविता, मैं कुछ नहीं देख सकती अजय,
क्योंकि प्यार तो अंधा होता है ना? आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाकर कैंडल लाइट डिनर करेंगे। I'm sorry, मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों? मैं बहुत परेशान हूं। तो आज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमें बिजनेस में इतना बड़ा झटका पड़ा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव और शॉपिंग की सोच ही नहीं सकता। मुझे बहुत काम करना है, प्लीज मुझे काम करने दो। अमिताभ बस भी करो, और कितनी पियोगे? मैं अपने होश खो देना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अब और नहीं पियोगे तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तुम ऐसा क्यों कहोगी? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह है? अगर तुम्हारी परवाह ना होती तो तुम्हें कंपनी देने यहां बैठती मैं? नहीं टीना, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। सब अपनी मनमानी करते हैं। आज तक किसी ने मेरे दिल में झांककर ये नहीं देखा कि मैं क्या चाहता हूं। सब समझते कि मैं केयरलेस आदमी हूं, एक बुरा आदमी। टीना तुम बताओ, क्या मैं कोई बुरा आदमी हूं? नहीं अमित, तुम एक बहुत ही प्यारे इंसान हो। यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। झूठ बोलती हो तुम। अगर ऐसा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसके लिए अनीता जो है। अनीता की तुम बात मत करो, उसने मुझसे सिर्फ मेरे पैसे के लिए शादी की है। अमित, टीना तुमने सिर्फ उसे देखा है, पहचाना नहीं है। मैं देख रहा हूं कि उसने पूरे घर वालों पे क्या जादू किया हुआ है, और यही कोशिश मेरे साथ कर रही है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? अनीता की तो बात कर दी, कभी खुद के बारे में सोचा है? तुम क्या कहना चाहती हो? सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुम में अमित? हाँ बोलो, क्या कह रही हो तुम? देखो अमित, तुम में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। माना कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो। यू जस्ट वेरी केयरलेस। तुम अपने डैड और अपने ब्रदर पर डिपेंडेंट हो। तुम्हारी खुद की तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अमित, अमित, हेलो हेलो, हु इज दिस? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं टीना बोल रही हूँ। टीना, चौंक गई ना? ज़रूर अनीता बोल रही होंगी, मैं अमित की दोस्त हूँ। ओह, कहिए। जी मैं जानना चाहती हूँ कि अमित घर पहुँचा या नहीं। तो वो आपके साथ थे? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अक्सर दोस्त तो साथ ही होते हैं ना। एक्चुअली अनीता, अमित थोड़ी देर पहले मेरे घर से गया है। बहुत परेशान था वो, और काफ़ी शराब भी पी रखी है उसने। And I was getting worried about him. इसलिए मैंने फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वो घर पहुंचा है या नहीं। नहीं, वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। वो जैसे ही आ जाए आप मुझे फ़ोन करके बता दोगे, मेरी फिक्र कम हो जाएगी। जी, थैंक यू, बाय।
जरा वक्त देखिए क्या हो रहा है। चलिए सो जाइए। कितनी बार कहा है ऑफिस का काम घर में मत लाइए। काम बहुत है, तुम सो जाओ। लाइट जलती रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। चलिए सो जाइए। फोन उठाइए ना। तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ। आपका ही फोन होगा, घर पे भी आपकी ये मशरूफियत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप घर आते क्यों हैं, ऑफिस में क्यों नहीं रहते? प्लीज फोन उठाइए ना। यस हेलो, हु स्पीकिंग? प्रधान स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? मिस्टर प्रधान, मैं डॉक्टर कुमार बोल रहा हूँ, मल्होत्रा मेमोरियल हॉस्पिटल से। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी हाँ, एक कार एक्सीडेंट में वो इंजर्ड हो गया है। अभी अभी यहाँ उन्हें एडमिट किया है। मैं अभी आ रहा हूँ। ऑफिस जाने का ये वक्त होता है क्या? ऑफिस नहीं, हॉस्पिटल जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल क्यों? कार एक्सीडेंट हो गया है अमित का। क्या? घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अनिता को भी खबर कर दो। और सुनो, अनिता को बताना मत कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना परेशान हो जाएगी। अनिता, अनिता जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्या बात है मम्मी जी? ये सब तुम्हारी वजह से। आप कैसी बातें कर रही हैं? जब से तुम्हारे मनुष्य कदम इस घर में पड़े हैं, ये सब तो होना ही था। मम्मी जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है? अमित का एक्सीडेंट हो गया है। उनका एक्सीडेंट? वो कैसे? आप हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अमित, मेरे बेटे। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, इनके पैर में जरा फ्रैक्चर हो गया था, मैंने प्लास्टर लगा दिया है। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि आइंदा ये शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए। ये आप क्या कह रहे हैं? यस, ही वॉज ड्रंक व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग। एक्सक्यूज अमित, मेरे बच्चे, ये सब क्या हो गया? इसे दुलार की नहीं फटकार की जरूरत है महिमा। पापा प्लीज, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ऐसी बात कहने के लिए इसने नौबत ही क्यों दी? एक तो शराब पीता है, फिर ड्राइविंग करता है, तो शराब पीकर मरना चाहता है। जिंदा भी कौन रहना चाहता है यहाँ? अमित, मान ही दो क्या मॉम? पहले मेरी आजादी छीन ली, मेरी खुशियां छीन ली। अमित, ऐसी बातें नहीं करते। कहने दो इसे, पता चलना चाहिए कितना जहर भरा है इसके अंदर हमारे खिलाफ। ये जहर आपने पिलाया है, मेरे बाप होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जैसी नासमझ और निकम्मी औलाद के लिए एक बाप जो कर सकता है वही किया है मैंने। बाबूजी, जाने दीजिए। पापा प्लीज, चलिए हम बाहर जाकर डॉक्टर से मिलकर आते हैं। बात करने दो मुझे इससे। पापा प्लीज चलिए। अमित, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मगर अब तुम्हारी शादी इसके साथ हो गई है, अब तुम्हें इसके साथ निभाना ही पड़ेगा। मॉम, इसके साथ, इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अनीता, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मायके चली जाओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और अमित के लिए भी। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अंजलि, अंजलि, ये देखा? अमित कार दुर्घटना में घायल। कौन? अनीता का फोन आया था। नहीं तो? तो उसने बताया किसने? एक्सीडेंट हुआ। क्या लिखा है? वो अभी तक हॉस्पिटल में है, उसके खिलाफ पुलिस केस हो गई है, और वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था।
आंटी हमें चलना चाहिए हॉस्पिटल। चलिए चलो। चावड़ा स्पीकिंग। चावड़ा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं, जो मुझे जलील करने के लिए तुमने ऐसी हरकत की। गुड मॉर्निंग। तो तुमने अखबार पढ़ लिया? भाई मैं भी तुम्हारी अकल की दाद देता हूं, जो इतनी जल्दी तुमने अंदाजा लगा लिया। एक अंदाजा और लगाया है मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम एक नहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी एक बिजनेसमैन की तरह वार किया होता तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। इतने उतावले क्यों हो रहे हो प्रधान? इज्जत करने के मौके भी और दूंगा तुम्हें। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब तुम भी सुन लो, तुम्हारी हद यहीं तक थी, यहां से मेरी हद शुरू होती है। नुकसान अब तुम्हें होगा, मुझे नहीं।